चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। यार नबील, ये तुम्हारी बीवी जो है ये अजीब लड़की है भाई, हर रोज नाराज होकर अपने बाप के यहाँ चली जाती है। हाँ पुत्र, तूने जमीला को ना बड़ी छूट दे रखी है। खूबसूरत तमा तमा शराफत, जमील के सामने तो ऐसे रोमांटिक ना हो ना आप। ओ माँ जी, मुझे बड़ी भूख लग रही है, जाएं कुछ खाने के लिए लाएं। यार खाना तो पुत्र खत्म हो गया है और तेरी जालम बीवी राशन भी नहीं डलवा के गयी। उस नकचड़ी और बदतमीज औरत को मैं अपने अमीर ससुर की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, वरना कब का बाहर निकाल चुका होता उसको मैं। अरे भाई, अब ये सोचो कि खूबसूरत के वापस आने तक इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्या ना हम इस घर में वो रख लें तकीर। कौन तकीर? और फिर हम उसको अपने घर में क्यों रखेंगे भाई? तकीर तो मैंने आपको कहा है इज्जत से दिलावर। मेरा ख्याल है महमूसा, माँ जी पेइंग गेस्ट रखने का मशवरा दे रही है। पुत्र ठीक है, फिर हम कमरा किसी जवान खूबसूरत लड़की को देंगे। वैसे कितने छचोरे हैं आप रमीज। ओहो माँ जी, जब तक आप एक काम करें, मेरे और महमूद साहब के लिए कुछ खाने के लिए लाएं और हम दोनों जब तक इंटरनेट पर ऐड डालते हैं। वो जो हम इंटरनेट पर डालेंगे वो ऐड होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो आ जाओ। ले जी महबूब साहब, लिखवाएं। लिखो नबील, एक कम उम्र हसीना। यार महमूद साहब, ये तो कोई घटिया सी और सस्ती सी फिल्म का टाइटल लग रहा है। अच्छा तो फिर तुम खुद ही लिख लो। अरे यार बस कर दे महमूद साहब, चले बताएं ना यार, मुंह ना फुलाएं। पहले माशाल्लाह काफी फूला हुआ मुंह है आपका अली इमरान की तरह। जरूरत है खूबसूरत पेइंग गेस्ट की जिसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा ना हो, बस दरमियान में हो। यार महमूद साहब, लड़की की उम्र कुछ ज्यादा कम नहीं है। अरे तो तुमने कौन सा उससे निकाह पढ़वाना है भाई? क्या पता वो मेरी शानदार पर्सनालिटी की दीवानी हो जाए। खैर छोड़े, आप आगे लिखवाएं। कमरा सिर्फ खूबसूरत और मॉडर्न लड़की को देना। कमरा सिर्फ खूबसूरत और मॉडर्न लड़की को दिया जाएगा। लो जी, ये हो गया पोस्ट। अब देखना नवीन, हमारे यहाँ कितनी प्यारी पेइंग गेस्ट आएगी। महमूद साहब, आपकी मुंह की तारीफ नहीं है, इस उम्र में भी आप इतनी घटिया सोच रखते हैं ना। क्यों भाई, तुम भी तो यही चाहती हो ना कि कोई खूबसूरत सी लड़की आए। भाई मेरी बात और है, मैं जवान हूँ, हैंडसम हूँ, और बड़ी बात यह है कि मैं नबील हूँ। वैसे महमूद साहब, जितनी उम्र आपकी हो चुकी है ना, अब आपका बनता है कि हर लड़की को आप बेटी की नजर से देखें। अरे भाई मैं क्यों देखूं बेटी की नजर से, मेरी अभी उम्र क्या हुई है। अगर मैं बाल लगवा लूं ना तो फवाद खान मेरे आगे पानी भरे। शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए महमूद साहब। क्यों भाई, मैं सोच नहीं सकता था कि किस कदर घटिया आदमी के साथ बैठा हूं। आंटी तो मैं आपको कह रही हूँ, पर मेरा नाम तो सनोबर है। अच्छा सनोबर आंटी, आंटी होगी तेरी माँ। मगर मेरी माँ मेरी आंटी कैसे हो सकती है? ना तू ना बड़ी वो लग रही है मुझे। वो क्या? वो जो आजकल की लड़कियाँ होती है ना, वो खूबसूरत। और ना खूबसूरत मेरी फूफी का नाम है। तू तो वो लग रही है भाई। आप क्या इस घर में अकेली रहती हैं? जी नहीं, मेरे साथ शाहरुख और सलमान भी यहाँ रहते हैं। शाहरुख और सलमान यहाँ रहते हैं? हाँ, तो और कहाँ रहेंगे, सलमान के ससुर का तो घर है ये। देखिए आंटी, मैं ना यहाँ कमरा लेने आई हूँ। क्यों, तू अपना कमरा यहाँ भूल गई थी? नहीं भाई, आप लोगों ने ऐड दिया था ना कि कमरा खाली है, वही लेने आई हूँ किराए पर। अच्छा तो फिर ला, और मैं किराया मांग रही हूँ। पहले मैं कमरा तो देख लूँ आंटी। अच्छा तो फिर आ जा। और देख आंटी ना बोला कर मुझे, पूरे 2.5 साल छोटी हूँ तुझसे। आ जा। What? आ जा। यार नबील, इतनी देर हो गई है यार, अभी तक कोई लड़की कमरा लेने आई क्यों नहीं? यार महमूद साहब आ जाएगी, थोड़ा सबर करें यार। कितना सबर करें यार? वकील देखो ना हमारे घर स्वीटी आई है। अब स्वीटी आंटी जी ज्यादा मखौल ना कर मेरे साथ। आप कमरा किराए पे लेने आई है? महमूद साहब मुंह कम खोले, आपका मुंह देखकर बेचारी सहम सी गई है। उसका मुंह भी कुछ कम तो नहीं है। आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ नबील, और ये है मेरे शौहर शहूद। महमूद यार? नहीं नहीं महमूद मेरा यार नहीं है सरताज। आपको कोई वो हुई है? वो क्या? वो जो होती है ना जो गलत हो जाती है। ओ माँ जी गलत फहमी ना वो यही। ओहो मोमो तुम चुप करो ना, मैं जरा स्वीटी को कमरा दिखा के आता हूँ। क्यों पुत्र इसकी आंखें खराब है, कमरा खुद नहीं देख सकती? भाई स्वीटी को कमरा मैं दिखाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। महमूद साहब ये घर मेरे सुसर के पैसों से चलता है, इसलिए स्वीटी को कमरा मैं दिखाऊंगा। पुत्र पहले किराए की तो बात कर लेना इससे। अब देखें प्लीज किराया थोड़ा कम रखिएगा। अरे भाई तुमसे किराया कौन कम वक्त मांग रहा है, तुम बिल्कुल फील एट होम करो, मजे से रहो। आओ स्वीटी आओ, आज वो स्वीटी आज। देखा मोमो ये नबील की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आज वो स्वीटी नाम बताया था ना, ये रहा कमरा। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि ये रहा कमरा, कमरे के साथ खिड़की, खिड़की के बाहर लॉन जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या? हाँ दिन हो या रात तुम किसी वक्त भी मुझे आवाज दे सकती हो। कितने क्यूट है आप। आपको देख के ना मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई। बॉयफ्रेंड? पता है क्या, वो भी आपकी तरह बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग था। क्या लगता है मेरी पर्सनालिटी देखकर फिदा हो गई मुझ पर। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं स्वीटी तुम आराम करो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। नबील क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं, खूबसूरत लड़कियों की मदद करना तो बचपन से मेरा शौक है। वो क्या है ना कि आज तक मैंने कभी अपने कपड़े नहीं धोए, तो क्या तुम प्लीज मेरे कपड़े धो दोगे? तो क्या हुआ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम्हें पता है क्या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ना इतने अच्छे कपड़े धोता था। क्यों वो धो भी था? ठीक है अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो। नहीं स्वीटी बेबी मैंने मना कब किया, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा। You are such a sweetheart नबील। sweetheart जल्दी करो स्वीटी, अब नहीं मुझसे इंतजार होगा, कपड़े जल्दी से निकालो बैग में से। जल्दी करो प्लीज करो। हाँ मैं स्वीटी से मोहब्बत करता हूँ। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? मोमो ये तुमने क्या रोना धोना डाल दिया है? रोना धोना है तो कहीं और जाके रो, कोफ्ते मत खराब करो। और आपकी स्वीटी को ना उसे खाना खाने दो है ना? हाँ। लगी तो नहीं? आप बैठिए दफा करें इसको, आप खाना खाएं। मैंने अपने हाथ से कोफ्ते बनाए हैं। Thank you. कहीं तो मैं अपने हाथ से खिलाऊं? अभी धो के आया हूं मैं। पुत्र ये किसके कपड़े सुखा रहे हैं? ओ मारी स्वीटी के। शाबाश बगैरता, माँ का तो कभी रुमाल धो के नहीं डाला और उस डैन के कपड़े धो के सका रहा है। नहीं माँ जी आप अपना रुमाल दे, मैं अभी धो देता हूँ। पुत्र मेरे मियाँ ने मुझे इतना बड़ा वो दिया है गुलदस्ता। ओ नहीं पुत्र वो जो मर्द बड़े आराम से नहीं दे देते। ओ माँ जी महमूद साहब की औकात ही क्या है कुछ देने की, वो जो कंजूस आदमी है ना सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं दे सकता। हाँ तो कहा अकील ने मुझे धोखा दिया है दिल। नबील माँ जी। नहीं नबील को नहीं, मुझे। ऐसा क्या कर दिया महमूद साहब ने माँ जी? ओए पुत्र वो उस चड़ैल के साथ वो चला रहा है गाड़ी। नहीं गाड़ी नहीं, वो जिसके चलाने से वो मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। जहाज? ओ माँ जी महमूद साहब जहाज चला रहे हैं, उन्हें तो साइकिल चलाने आता यार। और नहीं पुत्र वो जो गोल गोल घूमने से आते हैं ना। ओ माँ जी बस कर दे यार, आपकी गुफ्तगू से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए हैं। हाँ चक्कर, वो उस घटिया औरत से चक्कर चला रहे हैं। माँ जी किस घटिया औरत से? और उस टूटी फ्रूटी से। आपका मतलब स्वीटी से? महमूद साहब की ये जरूरत कि वो मेरी स्वीटी को बरगलाने की कोशिश करे। हाँ माँ जी स्वीटी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। स्वीटी जानो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो तेरा बेड़ा तर जावे, जब दफो इधर से मर। आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? क्यों भाई, इसमें शर्म की क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। क्यों स्वीटी? वो क्या बोलेगी बेचारी? क्यों, ये गुंगी है क्या? महमूद साहब, आप पहले से शादीशुदा हैं, आपको ये हरकत जेब नहीं देती। जेब? क्या इनकी बीवी है? नहीं भाई, मेरी बीवी मुमताज है। लेकिन मुमताज तो मेरे अंकल का नाम है। महमूद साहब, आप मेरी माँ जी को धोखा नहीं दे सकते। अभी उनका बेटा जिंदा है। कौन बेटा? मैं और कौन। अरे तो शादी तो तुम्हारी भी हो चुकी है, फिर तुम क्यों स्वीटी के पीछे पड़े हो? भाई मैं जवान हूँ, हैंडसम हूँ, स्वीटी की जोड़ी मेरे जैसे इंसान के साथ होनी चाहिए। ये तो तुम ठीक रहे हो नबील। फिर तय ये हुआ कि आप दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा मुझे इम्प्रेस करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे मंजूर है। अरे वैसे भी मेरे सामने इसकी दाल कहाँ गलेगी। जाए जाए, जाके मुंह धो के आए। हाँ तो अभी धो लेता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है। ये क्या स्वीटी, ये फूल फेंको। अब मैं लगाता हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। स्वीटी बेबी, तुम तो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? कहाँ? कहीं भी। देखो, अगर लंदन या अमेरिका का ऑप्शन हुआ ना तो फिर मैं जा भी सकती। क्या? वैसे तुम कितना अच्छा मजाक करती हो स्वीटी बेबी। नबील तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे स्वीटी बेबी, हैप्पी बर्थडे। तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे नबील? दूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए अभी छोटे पहलवान की जलेबियां लेके आता हूँ, पतली पतली सी। क्या? हाँ, तुम्हारी बर्थडे की खुशी में मैं पूरे मोहल्ले में बांटूंगा। तुम अपने होने वाली बीवी को इतना सस्ता गिफ्ट दोगे नबील? होने वाली बीवी? हाँ नबील, अब भला तुम्हारे होते हुए मैं महमूद साहब से कैसे शादी कर सकती हूँ? बिल्कुल ठीक कहा तुमने स्वीटी बेबी। ये चेन देखो, पूरे 6 तोले की है। स्वीटी, मैं तुमसे इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ? ये मैं तुम्हें दे नहीं रही हूँ, ये तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे पिछली बर्थडे पे दिया था। क्या? बस सिर्फ एक छोटी सी चेन? मैं तुम्हें पूरा सोने का सेट दूंगा। सच नबील? हाँ स्वीटी बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू नबील। नहा रहा हूँ। नहीं तो अलमारी में पानी तो नहीं आना ना? अरे मोमो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। मिल गए, ये रहे। नहीं, मैं आपको अपने कंगन नहीं बेचने दूंगी बदरुद्दीन। महमूद। भाड़ में क्या महमूद, आप मेरे कंगन नहीं बेचेंगे बस। अरे ये मैं कंगन बेच नहीं रहा, ये तो मैं स्वीटी को देने जा रहा हूँ। आज उसकी सालगिरह है ना, ये उसका तोहफा है, तोहफा। आपने मुझे तो वो दिया नहीं है शमीम। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या? अरे हटाओ मेरे रास्ते से भाई। मैं तेरी जान ले लूंगी खलील। हाँ जलील, जलील मैं तेरी जान ले लूंगी। हटाओ पीछे। ये देखो स्वीटी डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। सोने के कंगन। हाँ, अल्लाह ना मैं तुम्हें पहना दूं। स्वीटी डार्लिंग, बिल्कुल ना पहनना ये कागज जैसे कंगन। तुम्हारे मुताबिक तो एक एक डेढ़ किलो का कंगन होना चाहिए, इन्हें मत पहनना, बिल्कुल सूट नहीं करेंगे तुम्हें। अरे अच्छे खासे भारी हैं भाई, आपके मुंह की तरह। बकवास बंद करो नबील, ये कंगन स्वीटी के हैं, ये इसका बर्थडे गिफ्ट है। ये भी कोई गिफ्ट हुआ? मैं अपनी स्वीटी डार्लिंग के लिए पूरा सोने का सेट लाया। नबील तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इतना? हाँ मेरे कंगन, मैं ये भी रख लेती हूँ। पर स्वीटी बेबी तुम शादी तो सिर्फ मुझसे करोगी ना? स्वीटी सिर्फ मुझसे शादी करेगी। बोलो ना स्वीटी। भाई मैं अपना जवाब कल दूंगी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ स्वीटी बेबी तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ, हम लोग यहीं बैठे हैं पूरी रात। ओके नबील, गुड नाइट। गुड नाइट डार्लिंग, गुड नाइट। महमूद साहब गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो कहने की क्या जरूरत थी, जाओ डार्लिंग आराम करो, तुम्हारा आराम करना बनता है। वैसे महमूद साहब कितनी मकरूम मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर। नबील। महमूद साहब आप मेरे रास्ते से हट जाएं। मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। मैं अपने और स्वीटी के मोहब्बत के रास्ते में से हटने की बात कर रहा हूँ। अरे जाओ, तुम देख लेना स्वीटी मुझे ही चुनेगी। हाँ हाँ चुनेगी, लेकिन मुँह बोला भाई बनाने के लिए चुनेगी। नबील चुप हो जाओ, मेरा खून खौल रहा है। महमूद साहब कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा? क्या? आपको कब्रिस्तान छोड़ते ही मैं स्वीटी से शादी करूंगा। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ नबील। पता है बहुत ही ढीठ हटी है। नबील अगर तुम मेरे और स्वीटी के बीच में से निकल जाओ तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। इंतहाई घटिया बात की है आपने महमूद साहब, मेरी मोहब्बत बकाऊ नहीं है। अगर आप 5 लाख देते हैं तो मैं रास्ते से हट जाता हूँ। अरे मैं 5 लाख रुपया कहाँ से लेके आऊंगा भाई? कुछ भी करे गुर्दे भेज दे अपने। नबील एक गुर्दे के 5 लाख मिल जाते ना, मिले तो अपनी आंखें बेच दीजिएगा। क्या? अरे आंखें बेच दूंगा तो फिर देखूंगा कैसे? वो देख के क्या कर लेना है आपने, वैसे भी मोहब्बत अंधी होती है और आपने हम दोनों को इकट्ठा देख के जेलसी होना ना, तो बेहतर आप ना देखें। नहीं मैं अपने गुर्दे और आंखें नहीं बेचूंगा। तो फिर तैयार हो जाएं शादी के लिए? नहीं नहीं मेरी शादी में गवाह बनने के लिए, क्योंकि स्वीटी की शादी सिर्फ मुझसे होगी। नबील जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चले हैं मोहब्बत करने। हाँ। तो फिर भट्ट माजी भट्ट। देखो भट्ट तो हमने कल दोपहर के खाने में बना के खाया है। ओ भट्ट साहब ये आप सुबह क्या करने आ गए? मैंने सुना तुम्हारे यहाँ कल एक खूबसूरत लड़की आई थी। ओ भट्ट साहब वो आपकी होने वाली भाभी है, आज मेरी उससे शादी होगी। शादी? अरे उसे बुलाओ, कहाँ है वो? मैं अभी बुलाता हूँ भट्ट साहब। स्वीटी जानो, स्वीटी बेबी, स्वीटी। मेरा ख्याल है भट्ट साहब स्वीटी कमरे में है नहीं अभी। अरे कैसे होगी वो कमरे में? जिस बात का मुझे डर था वही हुई ना। अरे वो लड़की शातिर है, फ्रॉड है, बुजली में। हाँ हाँ मर्दों को बेवकूफ बनाती है, दौलत समेटती है उनसे और भाग जाती है। तुम लोगों ने उसे कुछ दिया तो नहीं? वो भट्ट साहब मैंने तो अपना दिल दे दिया था उसको और खूबसूरत का सोने का सेट। और मैंने ना वो मोमो के सोने के कंगन दे दिए थे।